अस्सलाम वालेकुम डियर कॉलीग्स, ये पीएमसी से रिलेटेड और मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड मेरी सेकंड वीडियो है। मेरी पहली वीडियो का मुझे बहुत राउजिंग फीडबैक मिला, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह। दुनिया इस वक्त दो तरीके के मामलात में फंसी हुई है। बाय दुनिया आई मीन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा राइटली सो एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। वहाँ पर जो एक मखमसा है वो ये है कि हम इंटीग्रेट करें करिकुलम को या ना करें, यानी हम बेसिक साइंसेस का जो वेटेज है उसको कम करके और जो रह भी जाता है उसको भी हम एज अ क्लिनिकल फुट नोट के तौर पर ही पढ़ाएं और मेन फोकस जो है वो क्लिनिकल साइड पर रखा जाए। और दूसरा जो है वो भी यही है कि बेसिक मेडिकल साइंस के जो जो एजुकेटर्स हैं वो अगर डॉक्टर्स ना भी हों तो भी कोई इशू नहीं है, पीएचडी भी पढ़ा देते हैं। ये दो अजम्पशंस थी जो कि 1950 से, नाउ आई हैव स्टार्टेड टू लुक इट अप, 1950 से ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, आज 2021 है, कि ये कंक्लूजन्स नहीं है, ये एक ऑन गोइंग डिबेट है। हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं किया सिचुएशन को, हमें ऐसा बताया जाता है कि जी इंटीग्रेशन या जो करिकुलम का जो रीडेफिनेशन है वो एक फोरगॉन कंक्लूजन है, सारी बातें तय हो चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऑनगोइंग डिबेट है और हमें इसका हिस्सा बनना है। और लव्स एक बहुत की वर्ड है जो हमें, जो गोरे यूज करते हैं बेचारे कह कह के वो सूख जाते हैं, लेकिन हम उस लव्स को नहीं लाते, बाकी जुमला हम रिपीट कर देते हैं। वो बात ये करते हैं और सही करते हैं कि कॉन्टेक्स्चुअल होनी चाहिए हर चीज, आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हर चीज होनी चाहिए। तो इस पैराहे में प्रेजेंट करूंगा कुछ कॉमेंट्स मेड बाय स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो रिजाइन कर गए बाद में, डॉक्टर जफर मिर्जा, और उसके बाद मैं एक कॉमेंट्री करूंगा जिसमें मदद लूंगा एक डॉक्टर हाशमी साहब हैं जो एक्स रजिस्ट्रार हैं पीएमडीसी के, तो उसके कुछ इक्तसबात मैं आपसे शेयर करूंगा और एंड में मैं थोड़े से कॉमेंट करूंगा कि मेरी क्या गुजारिशात हैं। सो दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ सेंसिटाइज किया था, अब मैं अपने व्यूज भी बता रहा हूँ आपको, मैं गवर्नमेंट का नैरेटिव भी बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा डॉक्टर मिर्जा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ क्लिप से। काफी मीडिया के अंदर आ रहा है कि ये सारा काम हमने मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं उनके फायदे के लिए किया है ताकि वो अपनी फीसों का खुद तयन कर सके। तो इस सिलसिले में अर्ज यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है पूरी दुनिया में अपनी फीसें खुद तय करती हैं, गवर्नमेंट्स उनको कैप कर देती हैं, जो कि अभी भी हमने कैपिंग की हुई है 9,50,000 रुपए। फ्यूचर में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम उस पर कैपिंग करेंगे, लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा मुदाखलत नहीं करना चाहते क्योंकि ये एक प्राइवेट एजुकेशन मार्केट है। अमेरिका में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज अपने अपने तरीके के मुताबिक फीसें लेती हैं, हार्वर्ड की फीस प्रिंसटन से और प्रिंसटन की फीस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से बहुत मुख्तलिफ है। इसी तरह यहाँ पे हम ओवर रेगुलेट नहीं चीज़ों को करना चाहते, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको कैपिंग कर लेंगे। जो फ्यूचर के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे वो हमारा ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है कि वो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन जो तय किए जाएंगे उनको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बाकी हमारा सरोकार नहीं है कि वो किस तरह। और जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स की जो उनके साथ अटैच होने चाहिए जो वगैरह वगैरह, वो तो जाहिर है कि बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन हम उसमें अननेसेसरीली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि हमने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन अब लगा दी, वो हमें ये इंश्योर करेगा और पाकिस्तान के लोगों को ये इंश्योर करेगा कि इन मेडिकल कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस फॉर मेडिकल मेडिसिन और सर्जरी ले सकें। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिफॉर्म एजेंडा जब भी लाया जाता है उसमें शॉर्ट टर्म पेन्स होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पेन्स पर लॉन्ग टर्म गेन्स होती हैं। वो कॉमेंट्स थे, उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये थे जो मैंने नोट डाउन किए। वो उन्होंने दो मेन चीज़ें कही हैं कि डॉक्टर मिर्ज़ा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन और एनवाईयू वगैरह का जिक्र किया।
कि वहाँ पे इस तरह होता है। मैं अगेन अपनी कॉन्टेक्स्ट वाली बात पे जाऊँगा कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, तो यहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक हमारे तो डिजीज़ भी, जो लोकल डिजीज़ हैं, वो अमेरिका से भी मुख्तलिफ है। सो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम उनसे अच्छी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ बिल्कुल एज सच मनोअन हम यहाँ पे नाफिज नहीं कर सकते। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और मैं ये बात को बैकअप करूँगा बाय एविडेंस इंशाल्लाह, थोड़ी सी इस वीडियो में भी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट बॉस्टन यूनिवर्सिटी रिसर्च एट द एंड ऑफ इट। सो इट्स अप टू द ऑडियंस टू जज। डोंट टेक इट फ्रॉम मिर्ज़ा, डोंट टेक इट फ्रॉम फराज, डोंट टेक इट फ्रॉम हाशमी। मेक योर ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन द एविडेंस, द पब्लिश्ड एविडेंस दैट द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट। नंबर टू, उन्होंने मिनिमम रेगुलेशन का अंदिया दिया कि हम बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं करना चाह रहे ना मेडिकल एजुकेशन को, और सरप्राइजिंगली हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं नए मेडिकल कॉलेजेस जब बनेंगे तो उनमें भी आप उनका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, आप उनका कमेंट देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं चाह रहे। और उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ NLE जो लाइसेंसिंग एग्जाम है उसका फोकस करना है, और वहाँ से हम चेक करेंगे कि मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड एजुकेशन का और क्लिनिकल एक्सपोजर का क्या है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक अनवाइज अप्रोच होगी। हर जगह मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी वो चीज़ें जो इंसानी सेहत से डायरेक्टली लिंक होती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक होती हैं, जो अगेन इंसानी जान से लिंक होता है, को अच्छी खासी रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है, और रेगुलेशन होनी चाहिए। मैं खुद ओवर रेगुलेशन का ना कायल हूँ ना प्रोपोनेंट हूँ, लेकिन ज़ीरो या वेरी मिनिमम रेगुलेशन का फिर नतीजा ये होता है कि कई ऐसे इदारे खुल जाते हैं और प्रीवियसली खुले हैं और जिनको बंद करना पड़ा है गवर्नमेंट को, कि जो बिल्कुल मिनिमम क्या कोई उनके कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं था। तो अब आप कैसे करेंगे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अगर आप स्टैंडर्ड्स ही उठा लेंगे या अगर आप बिल्कुल ही लूज रख लेंगे। तो ये मेरा कॉमेंट था। आप देखते हैं कि डॉक्टर हाशमी इस बारे में क्या कहता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात हम शुरू से ही बेसिक साइंस के टीचर के मुखालिफ रहे हैं। मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने उनकी फैकल्टी की मान्यता शुरू की, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वालों ने बेसिक साइंसेस के टीचर्स को, रिटायर हुए को जो अपना काम छोड़ चुके थे, उन मांगी कीमत पे मुख्तलिफ सूबों से ला के अपने कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट पूरी की, क्योंकि उनकी मांग बहुत बढ़ गई। इसके नतीजे में मेडिकल प्रोफेशन पर बहुत ज्यादा तब्दीली आई। यंग ग्रेजुएट्स और खासतौर पर डेली डॉक्टर्स ने इस शोबे का रुख किया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने तो इस हद तक हमने कहा कि आप, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा हैं, बेसिक साइंसेस के टीचर कम हैं, तो इनके पूल बना दिए जाएं, और एक शहर में अगर एनएचपी का एक प्रोफेसर हो तो वो तीन चार कॉलेजों में जाके लेक्चर दे दिया करें। लेकिन काउंसिल ने ये उनकी प्रपोजल रिजेक्ट कर दी, और 4 जनवरी के लेटर में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी पॉलिसी की गाइडलाइन इशू कर दी है। बेसिक मेडिकल साइंसेस की जितनी क्वालिफिकेशन हैं, MPhil है, PhD है, वो चाहे एनएचपी में हो, फिजियोलॉजी में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, फार्माकोलॉजी में हो, हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में हो, पैथोलॉजी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टार्टोग्राम, हिस्टोपैथोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, हिमाटोलॉजी, वायरोलॉजी, उन्होंने उन सारों को हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन सबको उड़ा के रख दिया है, की जरूरत नहीं है, इनको रजिस्टर भी किया जाएगा। नतीजा क्या होगा? ये सब स्पेशलिस्ट अंदरूनी मुल्क की और बैरूनी मुल्क की अपनी नौकरियों से जाएंगे, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि उसमें किसको रखना है किसको नहीं रखना। और मैं एक और चीज को यही तरह बता दूँ, कोलंबो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में इस तरह की डिग्रियाँ भेजती रही है और हमारे पास लोग रजिस्टर कराने के लिए आते रहे हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वालों ने वो सारे जेली डिग्रियों वाले बच्चे जो मार्केट से खरीद के आएंगे वो दोबारा रख लेने, या साल साल 6 महीने तक उनकी
एप्लीकेशन ही करानी, पैसे बचाने हैं, वो थोड़े पैसों में आ जाएंगे, वो इनका कहना मानेंगे, वो इनके मातहत रहेंगे और ये सारा सिस्टम बेसिक साइंसेज का तबाह हो जाएगा और जो कुछ रिसर्च हो रही थी वो भी चली जाएगी। हमने डॉक्टर हाशमी के कमेंट सुने और उन्होंने कई बातें बहुत एम्फैटिकली की और बिल्कुल सही की। हाउएवर उनकी बातों से कुछ सवाल जहन में ज़रूर जनरेट होते हैं। हमारे जो बेसिक साइंस के लोग हैं उन्होंने बेसिक साइंस के लिए क्या किया है, अपनी फील्ड के लिए क्या किया है? नंबर वन, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एमफिल के बुनियादी तौर पर चल रहे हैं पाकिस्तान में 70-80 की दहाई से चल रहे हैं और आज तक चलते आ रहे हैं, उनका आउटपुट क्या है? उनका आउटपुट एमफिल के लोग हैं, राइट? चंद इदारों के अलावा ज़्यादातर इदारों में जो सुपरवाइजर्स हैं एमफिल के वो खींच के रख देते हैं इस डिग्री को। यानी ये 2 साल की डिग्री तो एक इट्स अ जोक, इट्स नॉट अ 2 ईयर डिग्री, इट शुड, इट कुड इजिली बी ए 5 to 6 year डिग्री। आई एम टेलिंग यू मोस्ट ऑफ द पीपल इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरीथिंग, ठीक है। सो ये बात हमें अपनी तस्वीर भी करनी पड़ेगी और हमें अपने आप से भी कुछ सवाल करने पड़ेंगे। हमने क्यों नहीं रिसर्च को तरवीज दी? एमफिल आसानी से एक रिसर्च सेंट्रिक डिग्री बन सकता था और हम रिसर्च को फॉलो करते हुए अपने क्लिनिकल कॉलीग्स के शाना पशाना अगर बहुत बड़ी डिस्कवरीज ना सही, कम अज कम लोकल जो फिनोमेना है, लोकल जो आउटब्रेक्स हैं डिजीजेस की या जो बुनियादी पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको तो एलुसिडेट कर सकते थे। हमने रिसर्च को भी तरवीज ज्यादा नहीं दी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डोंट नो बायोस्टैटिस्टिक्स। Why? Because their supervisors don't focus on biostatistics. हमने खुद भी अपनी biomedical sciences का क्या किया है? हमने इसको develop नहीं किया इस field को। तो माजरत के साथ अपने seniors से और अपने colleagues से, मेरा तो ये शिकवा अपने आप से भी है, बाकी सबसे भी। अब मैं वो जो Boston University का जो article है उसका review करूँगा इंशाल्लाह और आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस review के end में मुझे ज़रूर बताइएगा kindly in forms of your likes or your comments कि इस तरह के रिव्यूज ऑफ आर्टिकल्स इज दिस समथिंग दैट यू हैव एन एपेटाइट फॉर, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अगर मेरी ऑडियंस बनती है तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रूफ करूंगा कि बेसिक मेडिकल साइंसेज की एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट अचानक आ जाती है, अचानक हम जो खतरे में आ जाते हैं, ये कुछ हमारी अपनी नालायकी है, ठीक है, और कुछ हमारे क्लिनिकल कॉलीग्स की नांदेशी है। तो हमारे क्लिनिशियन जो डायस्पोरा है क्लिनिशियंस का, उनको डेफिनेटली बायोमेडिकल साइंसेज के बारे में बहुत मिसगिविंग्स हैं और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि मिसगिविंग्स हैं। जिन कंट्रीज को आप फॉलो करते हैं, जहां पे जाना पसंद करते हैं, जहां की डिग्रीज आप दिखाना पसंद करते हैं, उनके जो व्यूज हैं अबाउट बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल साइंसेज वो काफी डिफरेंट हैं। जी, ये है वो आर्टिकल जिसका मैंने जिक्र किया। इट वॉज पब्लिश्ड इन 2020। टाइटल है इंटीग्रेटिंग द बेसिक साइंसेज इन मेडिकल करिकुलर, फोकस ऑन द बेसिक साइंटिस्ट्स टू इंटीग्रेट द बेसिक साइंसेज एंड क्लिनिकल साइंसेज। तो ये एक चीज चल रही है इंटीग्रेशन की, हम सुनते रहते हैं। हाउएवर डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ एफर्ट, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन रिमेन्स अ चैलेंज। अब ये याद रखिए कि ये एक आर्टिकल कहाँ लिखा गया है, ये अमरीका में वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में लिखा जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जी काफ़ी एफर्ट के बावजूद ये चैलेंज है। और एक जो चीज़ है उस चैलेंज की वो है लैक ऑफ फोकस ऑन द फंडामेंटल फैसेट ऑफ प्रोसेस, क्या बेसिक साइंस एजुकेटर्स देमसेल्व्स। रिमेंबर यहाँ पे वो जो बात डॉक्टर मिर्जा कर रहे थे कि बाहर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल और प्रिंसटन वगैरह में नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं, वो बात दुरुस्त है। हवेवर ये फिर उनका चैलेंज भी है कि वो जब उस तरह उन लोगों को वो कहते हैं कि मेडिकल एजुकेशन आपने पढ़ानी है, ज़ाहिर है पढ़ाना एक बहुत की कंपोनेंट है मेडिकल स्कूल का फर्स्ट 2 ईयर्स में, तो ये अब उनको चैलेंज आ रहा है कि वो क्योंकि एज क्लिनिशियंस तो ट्रेन हुए नहीं होते तो फिर वो पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। मोस्ट बायोमेडिकल PhD साइंटिस्ट्स हैव लिमिटेड टू नो एक्सपोजर टू मेडिकल एजुकेशन और एप्लीकेशन ड्यूरिंग देयर ओन ट्रेनिंग, एंड हाउ कुड इट बी, ज़ाहिर है वो तो इन्होंने PhD की है साइंस में। Yet, to appropriately integrate basic science content with clinical application, these educators must develop an understanding of what scientific content
is most relevant in a variety of specialties to appropriately focus their teaching for a medical audience. जरा वो जो पैराग्राफ मैंने कोट किया था उसका रेफरेंस जरा देख लीजिए. एकेडेमिक मेडिसिन से ये दो आर्टिकल्स यहाँ पर रेफर हुए हुए हैं और ये 2015 के आर्टिकल्स हैं. बात कर रहे हैं एक्वायरिंग द स्किल्स ऑफ एन एजुकेटर. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्हीं पीएचडीज के बारे में या ये जो नॉन मेडिक टीचर्स या साइंटिस्ट्स मेडिकल स्कूल्स में काम कर रहे हैं. बात हो रही है कि टीचिंग कोई इंसिडेंटल चीज या तुक्का नहीं होता. टीचिंग एक पूरी साइंस है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जब MBBS की डिग्री आपने हासिल कर ली और उसके बाद आपने FCPS कर लिया या MPhil कर लिया या PhD कर ली या FRCS कर लिया तो आप एक अच्छे एजुकेटर भी होंगे. टीचिंग इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी एक्वायर्ड.